हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे हमारा 18th लेक्चर। इसके अंदर आज मैं आपको समझाऊंगा लीनियर लेआउट के साथ कैसे काम किया जाता है, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया लेआउट से रिलेटेड वीडियोस के अंदर, लेआउट के बारे में जाना कि लेआउट क्यों हमारा इतना इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से एप्लीकेशन बिल्डिंग ब्लॉक में एक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट थी, उसी तरीके से लीनियर लेआउट भी हमारा एप्लीकेशन बिल्डिंग ब्लॉक का ही पार्ट है, एक अल्टरनेटिव पार्ट हम बोल सकते हैं। कंटेनर की तरह लेआउट बिहेव करता है, ये भी मैंने आपको बताया। अगर आपको XML के अंदर कोडिंग करनी है, अपने व्यू या विजेट्स को लगाने हैं, उनके ऊपर आपको काम करना है, तो लेआउट कंपलसरी है। आपको एक कंटेनर डिसाइड करना पड़ेगा। अब मैं आज वही चीज़ बताऊंगा कि कब क्या कैसे सिचुएशन आए कि आपको लीनियर लेआउट यूज़ करना चाहिए, कब कैसी क्या सिचुएशन आएगी कि आपको रिलेटिव लेआउट यूज़ करना चाहिए। हालांकि रिलेटिव लेआउट का मैंने अलग से एक लेक्चर बना रखा है। मैंने इस लेक्चर में हमारा मेन जो कंसंट्रेट रहेगा वो लीनियर लेआउट के साथ रहेगा। कोडिंग के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लीनियर लेआउट के साथ काम करते हैं, राइट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्लास हायरार्की दिखाई थी, हमारी जो व्यू क्लास होती है वो पेरेंट क्लास होती है, और उसकी जो सिस्टर मोस्ट क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट क्लास होती है, ये हम सभी को पता है। और जितने भी हमारे जो लेआउट्स होते हैं और ये जो हमारे बटन्स होते हैं, विजेट्स जो मैंने आपको डिज़ाइन व्यू पे एंड्रॉइड स्टूडियो IDE पर दिखाए थे, वो सारे हमारे व्यू हायरार्की से ही लिए गए हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि व्यू ग्रुप क्लास के बारे में आपको बताया कि व्यू ग्रुप सब क्लास है व्यू की, और जो लेआउट्स है मैंने रिलेटिव लेआउट आपको बताया, टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, लीनियर लेआउट भी आपको दिखाया क्लास हायरार्की में, फ्रेम लेआउट भी दिखाया, टेबल लेआउट भी दिखाया। ऐसे कुछ लेआउट्स मैंने आपको क्लास हायरार्की में दिखाए जो कि चाइल्ड क्लास थे, किसके, बेस क्लास व्यू ग्रुप के, और व्यू ग्रुप खुद किसकी बेस क्लास, चाइल्ड क्लास थी व्यू क्लास की, राइट। तो हम लोग फिलहाल लीनियर लेआउट के बारे में पढ़ेंगे और रिलेटिव लेआउट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं जो आपको एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा, जिसमें मैंने आपको बताया था मैं दो एडिट टेक्स्ट लूँगा, एक बटन लूँगा, एक टेक्स्ट व्यू लूँगा, दो एडिट टेक्स्ट के अंदर मैं वैल्यू डालूँगा, उनको गेट करूँगा वाया .java फाइल से, और बटन के क्लिक पे मैं परफॉर्म करूंगा उनकी कैलकुलेशन, और टेक्स्ट व्यू पे रिजल्ट डिस्प्ले करूंगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए, उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें कुछ लेआउट्स को पढ़ना था, और जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब बस लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट है वो हम अभी पढ़ेंगे। और आगे जाके जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे हम हर एक जो टाइप्स मैंने आपको बताए थे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लीनियर लेआउट का आप कब यूज़ करते हो, आपको कब यूज़ करना चाहिए, जब भी आप डेवलपमेंट करो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे, अगर आपको लगता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आपको व्यू या विजेट्स या कंपोनेंट को लीनियरी फैशन में लगाने हैं, लीनियर फैशन इट मींस या तो आप अपने कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टली सेट करो या अपने कंपोनेंट को वर्टिकल सेट करो। तो अगर आपकी डेवलपमेंट पर रिक्वायरमेंट आती है कि आपको अपने कंपोनेंट को एक कंटेनर के ऊपर हॉरिजॉन्टली लगाने हैं, तो आप हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेशन सेट कर दो, और अगर आपको वर्टिकल लगाने हैं तो उसमें ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट कर दो, किसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर। तो यही चीज़ मैंने दिखा रखी आपको, एंड्रॉयड लीनियर लेआउट इज़ अ व्यू ग्रुप, हम जानते हैं, डेट अलाइन ऑल चिल्ड्रन इन आइदर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। एक लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल,
कि कैसे एक हॉरिजेंटल हम बिहेव रहता है, और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो वर्टिकल, कैसे एक वर्टिकल सेट रहता है, राइट। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि अगर हम ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल सेट करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, जब हम लीनियर लेआउट बनाते हैं और उसकी ओरिएंटेशन सेट नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजेंटल ही होता है, राइट। अगर हम एक्सप्लिसिटली खुद अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चाहते हैं कि हमें वर्टिकल चलाना है तो हम वर्टिकल सेट करते हैं। बस ये छोटा सा सिंपल सा ये लीनियर लेआउट का फंक्शन था। तो आइए हम कुछ प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्या है। तो दोस्तों लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट और जो यूआई कंट्रोल्स मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इनको अभी हम इसी एप्लीकेशन पे ही ट्राई करके देखेंगे। जब मैं आपको एक प्रॉपर एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा, जब मैं एडिशन करके आपको रिजल्ट शो करके दिखाऊंगा, तो उसको हम एक नई सिरे से एक अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे अपनी एप्लीकेशन में, राइट। तो ये हमारा जो टेक्नोलॉजी ने जो बेस कोड हमें देती है, जो पीबी पोलरेट कोड हमें मिलता है, ये वही है। एक कंस्टेंट लेआउट हमारा सेट है बाय डिफ़ॉल्ट, और उस पर हमारा एक टेक्स्ट व्यू है। अभी तक हम यही देखते हुए आए हैं। अब हमें करना क्या है, मैंने आपको बताया था कंस्टेंट लेआउट, एब्सोल्यूट लेआउट, फ्रेम लेआउट, इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अभी फ़िलहाल हमारी एप्लीकेशन में यूज़ होंगे लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट। जैसे ही मैंने एल लिखा, एंड्रॉयड स्टूडियो ने बड़ी खूबसूरती से सजेशन बॉक्स में मुझे दे दिया है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो, लीनियर लेआउट, यस। तो मैंने एंटर किया, ऊपर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, नीचे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, राइट। अब ये पता है आपको एट्रीब्यूट है, ये इनकी वैल्यू है, ये एट्रीब्यूट है, ये इनकी वैल्यू है, ये एट्रीब्यूट है, इनकी वैल्यू है, ये एट्रीब्यूट है, इनकी वैल्यू है, राइट। अभी मैं आपको लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न हर एक बिगनर के माइंड में आती है कि सर ये फिल पेरेंट क्या है, और एक और प्रॉपर्टी है रैप कंटेंट, एक वैल्यू और है प्रॉपर्टी की रैप कंटेंट। और दोस्तों एपीआई लेवल 8 से फिल पेरेंट डेप्रिकेट कर दिया गया है, उसकी जगह मैच पेरेंट का यूज़ किया जाता है। मैं आपको अपने स्लाइड में दिखा देता हूँ, ये देखिए height and width attribute in android you always put either wrap content ya fill parent on component attribute layout width ya layout height to what's the difference dono mein kya difference hai ye confusion hamesha create hoti hai hame kab wrap content use karna chahiye layout height ya width ke sath aur hame kab match parent abhi main aapko bataunga ki ye dekhiye fill parent The component want to display as big as parent and fill in the remaining space. Renamed match parent in API level 8, right? तो दोस्तों रैप कंटेंट की अगर हम बात करें, जब हम कोई व्यू या कोई कंपोनेंट अपने एक कंटेनर के ऊपर लगाते हैं और उसकी हमने विड्थ या हाइट रैप कंटेंट दे रखी होती है, तो दोस्तों रैप कंटेंट का मतलब ये होता है आपने जो कंपोनेंट दिया और उस पर आपने जो टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। मैंने लिख रखा है द कंपोनेंट, इट मीन मैं उस व्यू की बात कर रहा हूँ जो आप उस कंटेनर के ऊपर लगाने वाले हैं। जस्ट वांट टू डिस्प्ले बिग इनफ टू इनक्लोज इट्स कंटेंट ओनली। तो जितना आपका कंटेंट होगा, सपोज मैंने कोई एक बटन लगाया और उस बटन पर मैंने कोई कैप्शन दिया, तो वो ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा कंटेंट के हिसाब से उसकी विड्थ और कंटेंट के हिसाब से उसकी हाइट। फिल पेरेंट या हम मैच पेरेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये डेप्रिकेट हो चुका है। द कंपोनेंट वांट टू डिस्प्ले एज बिग एज इट्स पेरेंट, हमने एक लेआउट मेंटेन किया, एक कंटेनर मेंटेन किया, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर हम मेंटेन करते हैं पूरा, उसकी विड्थ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट रखते हैं। अब जब हम उसके ऊपर कोई कंपोनेंट लगा रहे हैं, उसकी विड्थ या हाइट को हम मैच पेरेंट कर रहे हैं। मैच पेरेंट का मतलब होता है जो एक रेक्टेंगुलर पेरेंट है, जो आपने पेरेंट लिया, इट मीन्स लीनियर लेआउट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उसको टच करेगा, जो रिमेनिंग स्पेसेस है उनको भी कवर करके चलेगा। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक लीनियर लेआउट मेंटेन किया, मैं इस टेक्स्ट व्यू को हटा देता हूँ, और देखिए मैंने अभी तक, अब मैं इसको मैच पेरेंट भी करूँगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैच पेरेंट और मैच पेरेंट, ठीक है।
तो अब मैं डिज़ाइन व्यू पे आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो ये आपको ब्लू लाइन में शो हो रहा है, तो इसका मतलब आपने अपना कंटेनर सेट कर दिया है, उसकी विड्थ और उसकी हाइट एक रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ पोर्शन के अंदर सेट कर दी है, राइट। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ये शो हो रहा है, राइट। तो फिल पेरेंट और मैच पेरेंट एक ही काम करते हैं, बस वो टेप्रिकेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं अब तीन बटन लगाऊंगा। अब ये देखो, कंपोनेंट ट्री के अंदर आपको दिखाई दे रहा है बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल। बट मैंने तो कहीं शो ही नहीं करी ओरिएंटेशन। बिल्कुल सही बात जो मैं आपको बता रहा था। मैंने देखो दोस्तों, बटन लिया, फिर मैंने एक बटन और लिया, फिर मैंने एक बटन और लिया। देखो कैसे वो एडजस्ट हो गए हॉरिजॉन्टली। मैं जितने बटन लूँगा ऑटोमेटिकली वो मेरे हॉरिजॉन्टली एडजस्ट होते जाएंगे, राइट। तो अब हम इसका देख लेते हैं। ऑटोमेटिकली मैंने आपको बताया था, या तो आप वाया XML कोडिंग करो, या आप क्या कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसका यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये देखिए, बटन ऑटोमेटिकली उसने उठा लिया है। लेआउट विड्थ क्या रखी है, रैप कंटेंट। लेआउट हाइट क्या रखी है, रैप कंटेंट। इसका मतलब आपने जो टेक्स्ट लिया, आप देख सकते हो, हमने जो टेक्स्ट लिया ऑटोमेटिकली उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया उसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कंटेंट के अकॉर्डिंग। इसने भी सेम यही काम किया, इसने भी सेम यही काम किया, उसने भी सेम यही काम किया। अगर हम खुद से कोडिंग करते शायद ये चीज़ ना हो पाती, हमें देखना पड़ता, हमें कोई कंपोनेंट सब। अभी मैं आपको हैंड रिटन भी बना के दिखाऊंगा कैसे हम बटन बनाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने चिल्ड्रन को, या तो चिल्ड्रन इट मीन्स कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ कंटेनर के ऊपर, या तो इधर हॉरिजॉन्टली या इधर वर्टिकली, वो डिपेंड करता है दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप कंपोनेंट को कैसे रखना चाहते हो। हॉरिजॉन्टली रखना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टली चलेगा, अगर वर्टिकल रखना चाहते हो तो सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी, इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ही बोलते हैं इसको। मैंने यहाँ पर ओरिएंटेशन मैंने यहाँ पर ओरिएंटेशन दे दी। अब ये पूछ रहा है वर्टिकल, मैंने वर्टिकल वैल्यू दे दी एट्रीब्यूट की। अब देखना दोस्तों, बड़ी खूबसूरती के साथ चारों जो बटन मैंने लिए थे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो चुके हैं, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा लीनियर लेआउट के बारे में कि आपको अगर रिक्वायरमेंट आ रही है कि कंपोनेंट आपको एक लीनियर फैशन हॉरिजॉन्टली रखने हैं, तो आप ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल होती है, आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वर्टिकल रखने हैं तो एक्सप्लिसिटली आपको ओरिएंटेशन सेट करनी पड़ेगी, तब जाके आपके बटन जितने भी आप एड ऑन करते जाओगे वो आपके वर्टिकल होते जाएंगे, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सपोज ये सारे बटन हटा देता हूँ, राइट। अब मैं आपको वाया XML कोडिंग करके बताता हूँ, मैं वही सिंपल में सब हो गया। अब मैं आपको विड्थ और हाइट के बारे में बताऊँगा, जो मैंने रैप कंटेंट और मैच प्रिंट की। देखो अब मैं XML कोडिंग कर रहा हूँ, घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे UI कंट्रोल, बटन, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, ये मैं काफ़ी अच्छे से इनके मैंने अच्छे से एक एक लेक्चर अच्छे से बना रखे विद एग्जाम्पल के साथ। बस मेरा मेन मकसद यहाँ ये था कि आपको लीनियर लेआउट पे काम करना आ जाए, और विड्थ और हाइट में जो लोग कंफ्यूज होते हैं मैच पेरेंट फिल पेरेंट क्या होता है, वो आपको कवर हो जाए। तो सपोज मैंने देखिए बटन लिया, वो ऑटोमेटिकली उसने मुझसे पूछा कि आप क्या रखना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं विड्थ रखना चाहता हूँ मैच पेरेंट, हाइट में रखना चाहता हूँ रैप कंटेंट। इसका मतलब ये हो गया, विड्थ मैच पेरेंट का मतलब जो आपने कंटेनर लिया था रेक्टेंगुलर एरिया कवर किया था, जो रिमेनिंग स्पेस होगा उसको भी कवर कर देगा। ये देखिए दोस्तों, कर दिया, और हम टेक्स्ट लिखना भूल गए हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है, मैं वन बाय वन जो जो आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। आपको विड्थ की प्रॉपर्टी पता चल गई बटन की, और बटन के हाइट की प्रॉपर्टी पता चल गई, और ये एक और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, ठीक है। इसमें हमने ले लिया कुछ भी, फर्स्ट बटन ले लिया, फर्स्ट बटन ले लिया, तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। ये देखिए विड्थ उसने बिल्कुल जो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन था कोई स्पेस नहीं छोड़ा, बिल्कुल उसके बराबर तक गया, और हाइट जो है वो कंटेंट के अकॉर्डिंग उसने मैनेज कर ली, राइट। अब मैं अगर सपोज दोस्तों उसकी हाइट भी मैच पेरेंट कर दूंगा, तो इसका मतलब पूरा रेक्टेंगुलर एरिया हमारा बटन कवर कर लेगा, बिल्कुल सो सिंपल। तो आपको ये भी क्लियर हो गया। अब मैं
सपोज मैंने विड्थ भी रैप कंटेंट कर दी और हाइट भी मैंने रैप कंटेंट कर दी, इसका मतलब अब वो जो रिमेनिंग स्पेस भी कवर करके चल रहा था वो नहीं करेगा। अब देखना, ये देखिए दोस्तों, जो रिमेनिंग स्पेस कवर कर रहा था वो नहीं कर रहा जिस पोजीशन में आपने दिया है। अब हमारे पे है कि हम इस बटन को सेंटर में रखना चाहते हैं या लेफ्ट से कितना रखना चाहते हैं। मेन कहानी ये थी कि रैप कंटेंट, अगर आप विड्थ भी रैप कंटेंट रखोगे, रिमेनिंग स्पेस जो आपका बच रहा था राइट हैंड साइड पे, वो उसको छोड़ देगा, वो पूरा कवर नहीं करेगा। तो आपको समझ आ चुका है कि लीनियर लेआउट हमें कब यूज़ करना चाहिए और रिलेटिव लेआउट हमें कब यूज़ करना चाहिए। तो रिलेटिव लेआउट अभी मैं बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस एप्लीकेशन को रन करके आपको रियल डिवाइस पे दिखा दिया है कि अगर आपने ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट की है तो चारों बटन जो आपके कंपोनेंट है उस कंटेनर के ऊपर, वो आपको वर्टिकल दिखाई देंगे। और अगर आपने दोस्तों ओरिएंटेशन सेट कर दी हॉरिजॉन्टल, अगर नहीं भी करते तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब दिक्कत क्या आ रही है, जो मैंने आपको बताई थी दिक्कत ये आ रही है कि अब आपको विड्थ देखना पड़ेगा, या तो रैप कंटेंट कर दो तो रैप कंटेंट में भी हो जाएगा। ये देखिए, रैप कंटेंट कर दो, इसकी विड्थ रैप कंटेंट कर दो, जो रिमेनिंग स्पेस पूरा कवर करके चल रहा था उसको हम उठा सकते हैं। ये देखिए, ये चारों बटन हमारे को बड़ी खूबसूरती के साथ हॉरिजॉन्टल दिखाई दे गए। अब हम इस एप्लीकेशन को रन करने जा रहे हैं, तो अब आप देखिएगा ये एप्लीकेशन चलेगी और चारों बटन हमको हॉरिजॉन्टली रन होते हुए दिखेंगे। तो ये अभी ग्रेडल हो रहा है, एपीके इंस्टॉल हो रही है, एप्लीकेशन हमारी लॉन्च होने वाली है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए चारों बटन हमारे हॉरिजॉन्टली सेट हो चुके हैं, राइट। तो अगर आपको लगता है आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आपको अपने चाइल्ड कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टली सेट करना है, तो हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेशन तो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टली होती है, अगर वर्टिकल देना है तो वर्टिकल होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिलेटिव लेआउट के बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिव लेआउट क्या होता है और हमें रिलेटिव लेआउट कब यूज़ करना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद हम UI कंट्रोल के ऊपर आएंगे, जो हम अपनी फर्दर आगे जाके एप्लीकेशन बनाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि एंड्रॉयड फॉर बिगनर की सीरीज के अंदर मैं अपडेट्स एंड्रॉयड की देता रहूँगा, जो आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। थैंक यू दोस्तों।